करेंगे भोपाल की, जो ऐसा लग रहा है कि अलग अलग जगहों पर जहां भोपाल में नजर डालेंगे आपको मजार ही मजार नजर आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है अब बताएंगे आपको। कॉलेज के अंदर लगातार धार्मिक स्थलों के नाम पर जो अतिक्रमण हो रहा है वो बिल्कुल गंभीर मुद्दा है। अस्पताल में एक अव्यवस्था और सुरक्षा का माहौल बन रहा है। डॉक्टर्स के बीच में, स्टूडेंट के बीच में डर है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये भोपाल का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल में यहाँ पर आप देखते होंगे कि अस्पताल के अंदर अमूमन क्या होता है, मरीज पहुँचते हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी होती हैं, डॉक्टर्स के लिए तमाम व्यवस्था होती है, कॉलेज भी है इस अस्पताल में, लेकिन इस बीच एक मंदिर होती है, एक मस्जिद या एक प्रेयर रूम होता है जहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं, आप क्या कोई मरीज भर्ती है तो उसके लिए इबादत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अस्पताल के अंदर मज़ार ही मज़ार हो गई है। ये कोई पीर फकीर का सिद्ध स्थल नहीं है जहाँ पर मज़ारें मिलें आपको, जहाँ आप मत्था टेकने जाएं, इबादत करने जाएं। इबादत के लिए तो एक ही जगह काफ़ी है, नमाज के लिए तो एक ही जगह काफ़ी है, यहाँ मज़ारें खड़ी की जा रही हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अस्पताल मज़ारों से पटा पड़ा नज़र आ रहा है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि भोपाल में हर जगह आप जहां नजर डालेंगे, डीन ऑफिस के बाहर नजर डालेंगे तो वहां मजार, अस्पताल के बाहर जहां एम्बुलेंस खड़ी होती है उसके करीब मजार, दो तीन मजारों की तैयारी चल रही है, रंगाई पुताई चल रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी पीर फकीर के सिद्ध स्थल पहुंच गए, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप अस्पताल आए, क्योंकि अस्पतालों में तो मरीजों की लाइन लगी रहती है लेकिन यहाँ तो मजारों की लाइन लगती नजर आ रही है। और इसीलिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर भोपाल में हो क्या रहा है, पूरा मामला क्या है। चलिए हम आपको जल्दी से बता देते हैं, भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल में लैंड जिहाद का मामला सामने आ गया है। गांधी मेडिकल कॉलेज में कई मजारें बनी हुई हैं, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, डीन ऑफिस के बाहर, कॉलेज के बाहर, हर तरफ मजारें, कैंपस में धड़ल्ले से कई सारी मजारें बना दी गई हैं। मजार की वजह से अब मरीज परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिस दिन जुम्मा होता है 5000 के करीब नमाजी पहुंच जाते हैं। डॉक्टर्स को भी अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी है क्योंकि वो अस्पताल है, नमाज के लिए हजारों की संख्या में, जैसा मैं बता रही हूँ आपको, 5000 के करीब आंकड़ा बताया जा रहा है जो पहुंच जाता है, और बढ़ भी सकता है। भीड़ अस्पताल प्रबंधन के लिए उस वक्त चुनौती बन जाता है, समझ ही नहीं आता अस्पताल प्रबंधन को कि अस्पताल में मरीजों की व्यवस्था देखें या इस भीड़ को देखें। और इसी को लेकर लोगों में नाराजगी है, जो डॉक्टर्स हैं वो भी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि ये तो अस्पताल है, यहाँ मजारों का क्या काम है, इबादत करने के लिए तो एक ही जगह बहुत है, मंदिर बहुत है पूजा प्रार्थना करने के लिए मरीजों के लिए। लेकिन देखिए जरा तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है क्योंकि इसी से आप समझ पाएंगे। देख रहे हैं ये नया गुंबद, एकदम रंगाई पुताई करके रखा हुआ है, तैयारी पूरी है। ये अस्पताल कैंपस देख रहे हैं, ये जो ग्रिल्स लगी हुई हैं ये मजार के बाहर है, ये देखिए मरीज बैठे हुए, बगल में मजार है। ये जो तस्वीर है, अस्पताल के सामने भी निर्माण कर दिया गया, अंदर भी निर्माण कर दिया गया, और बहुत बड़ी बात यह है कि इसको लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये नया पैटर्न है, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि ये पैटर्न क्या है। वक्फ पूछता है कि आखिर इस तरह की व्यवस्था क्यों की जा रही है, क्यों जब कहते हैं कि वक्फ बिल में चेंजेस किए जा रहे हैं, पारदर्शिता लाने की तैयारी की जा रही है, तब वक्फ बिल पर बहुत से नेता बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अब इस पर किसी के पास जवाब नहीं। हमारे सहयोगी सत्य विजय वहां पहुंचे, उन्होंने पूरी पड़ताल की है, पहले उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस जगह पर हूँ ये दरगाह शरीफ की मजार है, यहाँ पर ये देखिए इस मजार में काफ़ी लोग अपनी श्रद्धा से नमाज पढ़ने या बाकी चीज़ों के लिए आते हैं, लेकिन जो कॉलेज के स्टूडेंट्स का कहना है, यहाँ से भी मैं चाहूँगा कि हमारे विजय दिखाएं, ये जो उनका कहना है कि जो पहले से मजार और मस्जिद हैं उससे जो जुड़ा को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में जिस तरह से अतिक्रमण बढ़ रहा है और इन मजारों में और मस्जिद में जो बाहर से लोग आते हैं उससे उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कोलकाता में हाल ही में जो घटना हुई उसके बाद जिस तरह से जो मंदिर मस्जिद यहाँ पर बने हैं इनमें बाहर के लोग आते हैं और दरगाह में आते हैं, इससे कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट यहाँ हैं उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल मैं आपको जो दलीलें दी हैं जूडा ने उनके साक्ष्य आपको दिखाता हूँ। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये फिलहाल अभी किया हुआ कंस्ट्रक्शन है, ये आप ये जो स्टील की आप रेलिंग देख रहे हैं चमचमाती हुई, ये अभी किया है। इसके अलावा ये जो आप यहाँ पर टाइल्स देख रहे होंगे, वो जो टाइल्स रखी हैं ये भी नए कंस्ट्रक्शन के लिए है। इसके अलावा ये जो पुरानी रेलिंग जो यहाँ पर हटाई गई है इसके गई है चमचमाती हुई गेट लगाए गए, ये भी नया कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर देखिए जो ईंटें हैं ये मलवा है जो कि कंस्ट्रक्शन के बाद निकला हुआ है। इस तरह से चूँकि पहले इस दरगाह
का दायरा सीमित था, लेकिन धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है और इसी को लेकर जूडा ने आपत्ति जताई है। जूडा का कहना है कि जो पहले से मंदिर मस्जिद यहाँ पर है, मंदिर मस्जिद हो चाहे दरगाह हो, उससे उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसके आड़ में जो कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, जो अतिक्रमण हो रहा है, इस पर ऑब्जेक्शन लिया है और जूडा ने इसकी शिकायत डीन के साथ साथ जिला प्रशासन से भी की है। आपने सुना हमारे सहयोगी को कि अतिक्रमण हो रहा है। जी हाँ, ये वही अवैध अतिक्रमण है जो करने के बाद वक्फ बोल देता है कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये मजारे यहाँ पर हैं, ये प्रूफ है इस बात का, और वक्फ चाहता है कि कोई केस भी ना हो, सारी चीज़ें उनके हाथ में ही रहे। और इसी पर जब पारदर्शिता की बात होती है तो स्कैन कोड्स जाहिर कर दिए जाते हैं। आखिर इतनी मजारे बन क्यों रही है, सवाल तो यही है। रिपोर्ट देखिए। के बाहर मजा, अस्पताल कैंपस में मजा, पार्किंग में मजा, यहां तक कि अस्पताल के पीछे भी मजा। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज जहां देखो वहां मजार ही मजा। अस्पताल में मरीजों और डॉक्टर्स की सुविधा के लिए उतने निर्माण नहीं हुए जितने पिछले कुछ सालों में मजारों के निर्माण करा दिए गए हैं। मजारों की बढ़ती तादाद और अस्पताल कैंपस में मौजूद मस्जिद की वजह से यहां डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। यहां की डॉक्टर्स की माने तो जुमे की नमाज के दिन अस्पताल में मौजूद मस्जिद में करीब 5,000 नमाजियों का जमावड़ा लग जाता है, जिसे संभालने में अस्पताल प्रबंधन के पसीने छूट जाते हैं। वहीं इतनी बड़ी भीड़ डॉक्टर्स और मरीजों की सुरक्षा के लिए भी चुनौती बनी हुई है। प्रकार से धार्मिक और आर्थिक अतिक्रमण गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर और हमीदिया अस्पताल परिसर के साथ साथ टीबी अस्पताल परिसर में जो चल रहा है, उसके कारण लगातार बाहरी लोगों का आना जाना, बाहरी लोगों के आने से जो माहौल बदल रहा है, यहाँ पर जो भय और एक माहौल परिवर्तन, ये ऑरा को जो गड़बड़ करने की लोगों की साजिश चल रही है, उसके कारण हमारे डॉक्टर्स, हमारे विद्यार्थी, हमारे कर्मचारी सभी लोग परेशान हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मामले में रिपोर्ट तैयार कर मोर्चा तो खोल दिया, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई ना होने से उनमें भी नाराजगी दिखी। वहीं डॉक्टर्स ने सुरक्षा का सवाल भी खड़ा किया। लैंड जिहाद की साजिश की शिकायत अस्पताल की डीन की तरफ से भी किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन सुरक्षा में सेंध की साजिश के सामने डीन की शिकायत ने दम तोड़ दिया। इस मेडिकल कॉलेज कैंपस में सालों पुराना एक मंदिर भी है जिसे लंबे समय से मरम्मत की दरकार है, लेकिन इस मंदिर की बदहाली पर किसी की नजर नहीं जा रही है। पिछले 2 सालों में यहां बड़े पैमाने पर मजारों का निर्माण कराया गया और अब तक करीब 10 मजारें अस्पताल कैंपस में बना दी गई हैं। भोपाल की पहली मस्जिद जिसे 2.5 सीढ़ी कहा जाता है, उसके आसपास भी तेजी से मजारें बनी। स्थानीय लोगों की माने तो भोपाल में मौजूदा हालात ये हैं कि जहां जगह मिली वहीं मजार बना डाली। मजारों की बढ़ती तादाद लैंड जिहाद का नेक्स्ट स्टेप भी माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर मोहन यादव सरकार इस लैंड जिहाद के खिलाफ कब एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुल मिलाकर आपको बताएं तो अस्पताल के अंदर कम से कम 12 मजारे तो अब तक बन चुकी हैं और तैयारी और की भी है। सत्य विजय की रिपोर्ट देखिए, 2 मजारे और बनाने की तैयारी दिख रही है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गांधी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर की तमाम जो MBBS के स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई करने आते हैं। और दूसरी तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसकी शिकायत जूडा ने की है कि किस तरह से GMC कैंपस में मजार, दरगाह, मस्जिद और मंदिर के नाम पर अतिक्रमण हो रहा है और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे कि स्टूडेंट की सुरक्षा के साथ कह सकते हैं कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो सकता है। कोलकाता की घटना सबके सामने है। देखिए मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, ये जो गुम्बद आप देख रहे हैं ये अभी बनकर तैयार करवाए गए हैं। और ये जो गुम्बद है देखिए, इसमें नया पेंट भी हुआ है। एक गुम्बद ये है, दूसरा गुम्बद ये आपको तस्वीर दिखाते हैं ये है, और ये जो आप झंडे देख रहे हैं ये तमाम ये जो एक गुम्बद है ये बन के अभी तैयार हुआ और इसको दरगाह में, मस्जिदों में, मजार में लगाया जाना है। ठीक GMC के सामने इनका कंस्ट्रक्शन हुआ है। किसने किया, कब किया, कैसे किया, कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन जूडा इसी की शिकायत कर रहा है कि इस तरह से ये जो नई नई चीज़ें बनती जा रही हैं और भव्यता बढ़ाई जा रही है मजारों की, दरगाह की, मंदिर की, इन सब को लेकर शिकायत है। फिलहाल ये जो तस्वीर है ये गुम्बद जो है ये मजार और दरगाह में लगाने के लिए तैयार किए गए हैं और इसी तरह से ये जो कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है ठीक GMC के सामने, स्टूडेंट या तमाम हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं,
रात में खाना खाने निकलते हैं, कैंटीन जाते हैं, हॉस्टल हैं, सभी जो जगह यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए हैं। और ऐसे में इन जगहों पर जब बाहरी लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है उन्हें एक उनके मन में दहशत है